नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लगातार चल रही है। आज सूची जारी होने की पूरी संभावनाएं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में 3 से 4 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले जानकारी ये कि चुनाव समिति पर आज हर प्रदेश की नजर है। चुनाव समिति की बैठक भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही खत्म होगी, खबर इस बारे में कि करीब 100 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, वो जो सूची है, तैयार है। अगर किसी प्रकार का मतभेद मनभेद नहीं हुआ तो उसी सूची को जस के तस जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि कई बड़े चेहरों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पर अगर आप फोकस करते हैं तब भी आप ये देखेंगे 3 से 4 ऐसी महिलाएं हैं जो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी जाएं। संभावना कई सारी, लेकिन एक बड़े परिवर्तन की राह पर बीजेपी आपने देखा छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी। विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की तरफ से कई नए चेहरे पेश किए गए। लोकसभा चुनाव में भी क्या यही स्ट्रैटेजी रहती है? 370 पार का नारा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कौन सी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये देखने वाली बात। अब छत्तीसगढ़ में जिन लोगों का इस बात टिकट कटने के कयास हैं, अरुण साह उनमें से सबसे पहले, गोमती साय, रेणुका सिंह, टिकट कटना तय माना जा रहा है। अरुण साह को फिलहाल अब जिम्मेदारी एक निभाते हुए देख भी रहे हैं। तीनों पूर्व सांसद अब विधायक चुकी बन चुके हैं। इसके अलावा जांजगीर लोकसभा सीट का जिक्र, गुहाराम अजगले, महासमुंद से चुनीलाल साहू, कांकेर से मोहन मंडावी का भी टिकट कटने के कयास, तीनों इस वक्त सांसद है। नया चेहरा जहां मैदान में उतारने की संभावना जाहिर की जा रही है, इसके साथ ही कोरबा ज्योतिनंद दुबे, बस्तर से बैदूराम कश्यप की जगह किसी दूसरे को टिकट दिया जा सकता है। साल 2019 में कोरबा से ज्योतिनंद दुबे बीजेपी प्रत्याशी रहे, ज्योतिरा महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बस्तर से बैदूराम कश्यप 2019 में बीजेपी प्रत्याशी थे, कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने हरा दिया था। अब इन नामों को लेकर यह कहा जा रहा है कि टिकट कट सकता है। अगर नहीं आपने सुना है मुझे, तब आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख सकते हैं वो तमाम ऐसे नाम जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत प्रमुख भूमिका में रहे हैं। लेकिन इस बार पार्टी का एक्शन प्लान थोड़ा सा अलग जान पड़ता है। हो सकता है कि इन बड़े चेहरों को इस बार मौका ना मिले। हालांकि सूची आने के बाद ये तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इस बीच स्ट्रैटेजी पर सबसे ज्यादा फोकस, किस प्रकार की रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी चलने का प्लान कर रही है, ये ना सिर्फ विरोधियों के लिए बल्कि मीडिया के लिए, इस देश की जनता के लिए भी बहुत ज्यादा अचंभा भरा हो जाता है हर बार। इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने क्या डिसाइड किया है, ये देखने वाली बात। हो सकता है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सीधे घोषणा उन 100 नामों की हो जिसमें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी कुछ प्रमुख चेहरे आपको देखने को मिले। और चूंकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से जब आप इस रणनीति को समझेंगे तब आप ये भी देखेंगे कि सियासत अभी भी छत्तीसगढ़ में भरपूर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को चुनौती दे बैठे हैं कि पुराने प्रत्याशियों को रिपीट करके दिखाएं, जो हार चुके हैं उन्हें रिपीट करके दिखाएं अगर मोदी की लहर का दावा बीजेपी करती है तो। कांग्रेस को भी चुनौतियां कम नहीं है, पहले से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा चुनाव में कौन से नए चेहरे लेकर आते हैं देखने वाली बात है। बीजेपी की तरफ से भी हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, बाद में कार्यकर्ता ढूंढेंगे और उसके बाद वोटर ढूंढने निकलेंगे। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्ट्रैटेजी पर सबसे ज्यादा फोकस, अपने लड़ाके जैसे ही बीजेपी मैदान में उतारती है, कांग्रेस को उसके बाद समय कितना लग सकता है, उनके पत्ते आपने देख लिए, आप अपने पत्ते डिसाइड करने में कितना समय लेंगे, इस पर भी फिर चर्चा होने लगेगी। लेकिन फिलहाल बात यही कि उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, उसके बाद सीधे नामों के डिक्लेरेशन के साथ हो सकता है कि बीजेपी सामने आए। फिलहाल जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं इस बैठक में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। इंतजार इस बात का कि बैठक शुरू हो, मंथन हो, अगर किसी प्रकार का मतभेद नहीं हुआ तो सीधे डिक्लेयर कर देगी बीजेपी उन तमाम नामों को जो लोकसभा चुनाव में आपको रण में नजर आएंगे। तो तमाम बातें एक साथ, छत्तीसगढ़ में कुछ बड़े चेहरों पर फोकस, पार्टी में फ्रंटलाइन नेताओं के तौर पर जो
लोग आपको नजर आते हैं। विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद बहुत प्रमुख भूमिका में दिखे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी कौन होगा? क्या वही नेता होंगे जो फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर पार्टी में काम करते आए, या कुछ नए चेहरे जिस प्रकार से आपने कैबिनेट गठन के दौरान भी देखे हैं? लोकसभा के चुनाव में क्या नए चेहरों को उतारा जाता है, इस पर सवाल। और चूंकि बीजेपी फिलहाल तो आगे चलती नजर आती है, कह रहे हैं कि 100 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो सकती है, तब एक्शन रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से क्या होता है, देखने वाली बात है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर जानकारी। और इधर दुर्ग सांसद विजय बघेल की भूपेश बघेल को सीधी चुनौती सामने आई। भूपेश बघेल को दुर्ग से चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे दी उन्होंने। करीबियों को क्यों चुनाव में उतारना चाहते हैं भूपेश बघेल, पूछ रहे हैं। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग हुई, इसे लेकर भी निशाना साधा है। जहां जाएंगे वहां बंटाधार करेंगे, विजय बघेल की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है। राजनांदगांव की बात हुई तो मैंने कहा भाई दुर्ग आना चाहिए, दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, आप उतारो ना, आप ही आओ, करीबी उरीबी नहीं चलता, आप खुद आइए। चैलेंज है मेरा। अब ये जहाँ जाएंगे वहाँ बंठाधार स्वाभाविक है, है ना। यहाँ तो लुटिया डुबो दिया छत्तीसगढ़ का, अब और जा रहे इधर उधर, तो जहाँ जाएंगे वो लुटिया डूबेगा। और अब जिक्र करेंगे कांकेर का, जहां बैंक से 1.5 लाख रुपए चोरी हुए। पार्षद के बेटे से चोरी हुई, स्टेट बैंक चारामा का ही पूरा मामला। चोरी का वीडियो अब सामने आ चुका है, लगातार वायरल भी होता हुआ। आपको ये बताएं कि मामले की जांच में पुलिस अब लगातार जुटी हुई, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चोरी की पूरी वारदात यहां लगे कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं इस बड़ी आपराधिक घटना की, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। कांकेर का जिक्र है, सीसीटीवी फुटेज, चोर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, इसी तस्वीर के आधार पर तलाश चल रही है इस व्यक्ति की। बैंक में चोरी हुई है, स्टेट बैंक चारामा का मामला, पार्षद के बेटे से चोरी हुई, अपराधी आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के हाथ लगे हैं, बड़ा आधार पुलिस के लिए जांच का। और रायगढ़ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। शहीद चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेसीबी के साथ प्रशासनिक अमला पहुंच गया। सड़क पर जाम लगाने की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं रायगढ़ से, जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बार फिर से खबर। अपराधियों पर नकेल लगाने का प्रयास, लेकिन इस बीच कार्रवाई उन दुकानदारों पर भी चल रही है जो बेवजह अपनी दुकानों को सड़कों पर आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। जाम की शिकायत मिली, फौरन अमला पहुंचा, कार्रवाई की। ये तस्वीरें, उन तमाम चीजों को हटाया गया है जो ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। और अगली खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जिसे दवा कारोबारी खिलवाड़ कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में भारी मात्रा में नकली दवा बरामद की गई है। मेडिकल स्टोर पर रेड रेट पड़ी, यहां पर भारी मात्रा में नकली आई ड्रॉप पकड़ी गई है। आपको बताएं कि शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई बहुत जरूरी थी, क्योंकि स्वास्थ्य से सीधे खिलवाड़ का यह पूरा मामला है। नकली आई ड्रॉप बनाते हुए पकड़े गए हैं शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कार्रवाई की गई है, कई सारी अनियमितताएं, उसे लेकर फौरन संज्ञान विभाग की तरफ से। हमारे बीच परमानंद सर हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हम बात करते हैं सर, ये किस तरह की कार्रवाई रही पूरी? इसमें एक जानकारी ऑफिस में ये प्राप्त हुआ था कि एक आई ड्रॉप है जिसको नकली बना के विक्रय किया जा रहा था एक हॉस्पिटल में। नकली इस तरीके से कि एक कंपनी के आई ड्रॉप
का लेबल निकाल के, दूसरी कंपनी का लेबल लगा के, और जो लेबल यहीं लोकल एक प्रिंटिंग शॉप से प्रिंट कराया जाता था, उसको निर्माता के बिना संज्ञान में लाए, उसको उसमें लेबल लगा के विक्रय किया जाता था। तो जब हमको जानकारी मिली तो उस हॉस्पिटल में दबिश दिया गया, वहाँ पे वो नकली दवाइयों का सैंपल भी लिया गया और जब्ती भी बनाया गया। उसके अलावा जब उससे पता किया गया कि ये मेडिसिन कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने बताया कि ये चंगोला भाटा के किसी शकुंतला डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है। तो टीम तुरंत वहाँ जाके वहाँ दबिश दी, वहाँ पे जो जो संचालक था शॉप का, उसे पूछा गया कि यह दवाई आपने कैसे बनाया, तो उसने बताया कि एक का लेबल निकाल के दूसरे का लेबल उसमें मैंने बना के चिपका के उसको विक्रय किया है। इस कार्रवाई में एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी मार्केट से ही आई थी, किसी उपभोक्ता ने ही हमको सूचित किया था। ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को बिल्कुल दवाइयों के मामले में क्या होना चाहिए, उनका जो लेबल है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही उसको उपयोग करना चाहिए। इस कार्रवाई में जैसे हमको जानकारी मिली थी उपभोक्ता से, उसके आधार पर ही हमने कार्रवाई की और ये एक नकली दवाई का अच्छा रैकेट इसमें बस्ट हुआ है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं चंद रुपयों के मुनाफे के लिए इस तरह से लोगों के सेहत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे थे, अब उस पर कार्रवाई है वो ड्रग विभाग ने की है। आगे और भी कार्रवाई इस तरह से ड्रग विभाग की ओर से देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।